कंग्रेचुलेशन, नए किरदार से नई जर्नी शुरुआत हो रही है आपकी, कितने एक्साइटमेंट हो इस जर्नी के लिए? जो ये कैरेक्टर है ये बहुत लविंग कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार मिल चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आशीष सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने लविंग, इतने पॉपुलर कैरेक्टर को इन्होंने इतना मतलब जिम्मेदारी वाला काम इन्होंने मेरे कंधों पे रखा, तो उसके लिए सर दिल से धन्यवाद आपको जेन्युइनली। और एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ कि मतलब मैं पेरेंट्स एक्साइटेड है, मैं एक्साइटेड हूँ, और मेहनत ज़्यादा है क्योंकि जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने लोग प्यार करते, तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा प्यार मैं उनका कमा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा सर ने शो को एक लेवल तक पहुँचा के लेके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा शो के लिए क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं इसलिए एक्साइटेड और मेहनत कर रहा हूँ। आशीष सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने नीतीश को इन्हें क्यों चुना कि तब्बू का ये रोल निभाए? देखिए, अभी नीतीश ने बहुत अच्छी बात कही कि उसको दर्शकों का प्यार चाहिए। जब हमने कहा कि तू टप्पू का रोल करेगा तो थोड़ा ये भी हो गया, नर्वस भी हो गया कि टप्पू का रोल, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इसको टप्पू के कैरेक्टर को बहुत प्यार दिया है। उसने कहा सर मैं बहुत मेहनत करूँगा, बस आप मेरे को इसमें सिलेक्ट कर दीजिए और मैं टप्पू के रोल में कुछ बाकी नहीं रखूँगा। और मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी कि उसने दर्शकों का ध्यान दिया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग जो भी है आज दर्शकों की वजह से, अभी ये शो हमारा नहीं है, हमारे दर्शकों का है। तो बस वो मेहनत करने के लिए तैयार था, और हमारी टीम भी ऐसा अच्छा टप्पू मिल जाए मस्त, तो हम लोग भी तैयार है। तो ये टप्पू का गोकुलधाम सोसाइटी में आगमन बस अभी चालू हो जाएगा, और आप सभी का हमको शुभकामनाएँ चाहिए, गुड विशेस चाहिए, है ना टप्पू? बिल्कुल सर। सर आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी दो क्वालिटीज जो उनमें आपने बहुत ही ज़्यादा खास लगी होगी, आप अगर शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो पॉजिटिव है, हंसता हुआ चेहरा है, और अपने काम में आस्था रखता है, और हमेशा एक शब्द बोलता है मेहनत। तो इससे मैं खुद प्रभावित हो गया कि सर मैं मेहनत करूँगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जो आदमी मेहनत करने से नहीं घबराता है और मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो बस दर्शकों को एक ही मेरा अनुरोध है कि ये टप्पू को प्यार दे और टप्पू को स्वीकार करे। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा, एक साल से हम लोग, अधिक समय से हम लोग मिस कर रहे थे, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी मिस कर रही थी, तो अब ये टप्पू आपके सामने हाजिर है रोज हल्ला गुल्ला और मस्ती करने के लिए। पर जिस तरह रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों का कहना था कि जो पहले टप्पू थे उनको रिप्लेस किया जाए, उसके चर्चा हुई थी कभी कास्टिंग को लेके, उनकी फिर से री एंट्री करा दे? नहीं, देखिए हम सभी के लिए ओपन है, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमको महीने के 26 एपिसोड करने हैं, और आज 15 साल हो गया, विश्व में सबसे लंबा चलने वाला ये कॉमेडी सीरियल है, आज भी लोग 8:30 बजे सीरियल देखते हैं। तो ये शो में कमिटमेंट चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि रोज का शो है, और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है। आज हिंदुस्तान तो क्या, विदेश में भी ये शो घर में सब लोग प्यार से देखते हैं, तो बस हमको ये प्यार कायम बना के रखना है, तो उसके लिए मेहनत होनी चाहिए। तो जो लोग भी ये शो करना चाहते थे या करना चाहते हैं, तो कभी कभी वो ये मेहनत नहीं कर पाते हैं, उनको छुट्टियाँ चाहिए होती है, हम ये नहीं करेंगे, ये रोज का कमिटमेंट है। तो हमने वही देखा कि जो लोग उसके लिए तैयार थे तो उनका ही हमने कास्टिंग किया, और 6 महीने से या पूरे 1 साल से हमने न जाने कितने लड़कों का ऑडिशन टेस्ट लिया, कितने लोगों को मिले, इंटरव्यू लिया, लुक टेस्ट किए, तो बहुत मेहनत की, मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की, और अल्टीमेटली हमने ये टप्पू को हमने चुना। नीतीश, आपसे जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है टप्पू के कैरेक्टर में अगर निभा रहे हैं? हाँ, टप्पू के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे लगता है कि प्यार पाना, ऑडियंस का प्यार पाना। कैरेक्टर तो मैं करूँगा वो, और मैं अपनी तरफ से बेहतर करूँगा,
बट ऑडियंस मुझे कितना प्यार देगी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी प्यार करती है टप्पू को, अब मेरे को उस लेवल से और ज़्यादा चाहिए. तो ये सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है और मुझे वही चाहिए. टप्पू में क्या कुछ नयापन देखने को मिलने वाला है, जिस तरीके से टप्पू बदल रहे हैं कैरेक्टर, कैसे आप बताना चाहेंगे? टप्पू में क्या कुछ नया? टप्पू के लिए बहुत कुछ नया होगा, क्योंकि अब टप्पू सेना बड़ी हो गई है. अभी वो छोटी टप्पू सेना नहीं है जो तो हल्ला गुल्ला मस्ती तो बच्चे लोग करते ही, हम भी करते हैं. तो ये टप्पू सेना के साथ बहुत सारी नई कहानी होगी. वो अभी कुछ कंपनी में जॉब करने जाएंगे, अभी ये बड़े हो चुके हैं, अभी पढ़ लिख चुके हैं. हमको दर्शक हमेशा कंप्लेन करते हैं कि टप्पू सेना बड़ी हुई कि नहीं, कि हमेशा बस खेलती रहती है. तो बस अभी उनकी स्टोरीज़ होगी, उनका घूमना फिरना होगा, और जो मम्मी पापा के साथ जो भी जनरेशन गैप होता है, जो भी कुछ छोटे मोटी अभी उनकी जो सपने हैं, उनकी जो इच्छा है, उसके ऊपर हम लोग स्टोरी में ध्यान देंगे. तो गोकुलधाम यानी ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी टप्पू सेना का रंग मस्ती वाला तो होगा, टप्पू सेना के साथ शरारतें कभी भी दूर नहीं जाएगी, लेकिन बहुत सारी नई स्टोरीज आएगी. ये बहुत सारी नई स्टोरीज आएगी, तो इससे एक उम्मीद है कि मैं दर्शकों को और एक नए मुकाम पे लेके जाऊंगा. हमारे लिए तो नया टप्पू तो मतलब टप्पू टप्पू है कैरेक्टर वाइज. तो नए एक्टर आए हैं नए इस किरदार को निभाने के लिए, तो बस मैं इनसे यही कहूँगा नीतीश जी को कि ऑल द बेस्ट एज अ वेरी एंथुजियास्टिक एक्टर, और बस पूरी टीम उनको मिलके हम कोशिश करेंगे कि सब मिलकर के ऐसे सीन हम कर सके कि लोगों का मनोरंजन हम कर सके. इतने सालों से जो करते आ रहे हैं तो होपफुली लोगों को मज़ा आए. ऐसे आसिफ भाई सीन बनाएंगे या राइट राइटर के साथ मिलके, और हम उनको न्याय दे सके एज एन एक्टर. आपसे जानना चाहूँगा दिलीप जी के साथ किस तरह से अब तक शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्चुअली सर का जो कैरेक्टर वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टीवी में, और जेन्युइनली बोलूँ सर लिविंग लेजेंड है. मतलब सर को स्क्रीन पे देखना इस अल्टीमेट, की सर के न्यूएंसेस, सर का स्पॉन्टेनिटी, सर का इम्प्रोवाइजेशन इस अल्टीमेट. तो एज एन एक्टर ऑल्सो तो क्या है कि जैसे सर मैंने सर के साथ स्क्रीन शेयर करा, सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंसिस रहा, मैंने इतना सीखा है, और सर ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाई है जो कि सर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, मैं अभी भी नहीं सीख पाऊँ. सुनना, लिसनिंग. हम लाइफ में सुन भी नहीं पाते, कि किसी से हम बात कर रहे हो तो हम सुन नहीं पाते. अभी मैं कुछ और, आप लोग कुछ और सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे, तो अभी एक्चुअली आप मेरी बात नहीं सुन रहे. तो ऐसा यही चीज़ इन्होंने मुझे सिखाई एज एन एक्टर भी. जब हम कोई सीन करते हैं सामने वाले एक्टर की, जब तक हम सुनेंगे तब तक हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्ड नहीं आएगा. तो वो चीज़ इनकी सबसे पहली सीख थी. वैसे ही अभी मुझे बहुत सारी सीख उनसे मिलने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बहुत सीखने के लिए रेडी भी हूँ, मेहनत करने के लिए भी रेडी हूँ. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर. रियली सर, बहुत सीखना है सर आपसे. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.